हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, लास्ट मिनट टिप्स फॉर माय एसएससी सीजीएल मेंस वॉरियर्स, इंग्लिश का टिप्स लास्ट मिनट. ऐसे आप लोग खुद ही सेंसिबल हो, आप लोग पूरी तरह से तैयार हो, ठीक है, एग्जाम्स के लिए. एंड आई हैव फेथ इन माई स्टूडेंट्स. काफ़ी दिनों से हम लोग प्रैक्टिस किया है, हम लोगों ने लास्ट 1 या 2 मंथ से मॉक टेस्ट ही चल रहा है. तो आप लोग अवेयर हो एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है. बट बिफोर द एग्ज़ाम आई थॉट कि एक बार मैं स्टूडेंट से थोड़ा बातचीत कर लूँ. ठीक है, ठीक है. लास्ट मिनट टिप्स से ज़्यादा ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक है. लास्ट मिनट टिप्स से ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक वाले विशेस के लिए मैंने सेशन बनाया है. ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई मेन्स एस्पिरेंट्स, इनफैक्ट माई मेन्स वॉरियर्स, जो अपने वेपन्स के साथ तैयार है. आपने काफ़ी लंबे समय से तैयारी की है और मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे. बट द ओनली थिंग आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स ना, कि पैनिक नहीं होना है. सबसे पहला थिंग क्या है, रात में ठीक से नींद लेना है. ओके, ठीक से सोना है, ठीक है. अब ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देना है, ज़्यादा मॉक्स के पीछे नहीं भागना है. जितना आपने मॉक्स दे दिया है उतना काफ़ी है. नहीं तो आप क्या होगा ना, लास्ट मिनट तक अगर मॉक्स देते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे. तो अभी रिलैक्स करिए, जितना मॉक्स देना था आपने दे दिया है, ठीक है. अब क्या करना है, लास्ट मिनट में थोड़ा सेल्फ स्टडी में रिविजन वर्क कर लो. रिविजन वर्क मतलब सिनोनिम्स एक बार देख लीजिए, गो थ्रू द सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एक बार ऊपर देख लीजिए. अब मॉक टेस्ट मत दीजिए, ठीक है. आपने खुद फील किया होगा, हमारे जो मॉक टेस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने इतना टेस्ट किया है, इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट किया है ना, तो कई बार मैंने देखा है सेंटेंस अरेंजमेंट 20-20, 30-30 बना बना के स्टूडेंट्स अब थक चुके हैं. तो कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में भी जाके थक जाओ. हो क्या रहा था, मैंने देखा टेस्ट में बच्चों को कि इतना ज़्यादा अरेंजमेंट बना लिया है ना कि अब वो अरेंजमेंट देखते साथ डर जा रहे हैं, ठीक है. थक चुके हैं, दे आर टायर्ड हो गए हैं. तो अब अरेंजमेंट PQRS सब मत बनाइए, ठीक है. जितना इम्प्रूव होना था हो गया. अब थोड़ी देर रोकोगे ना तो एग्ज़ाम में बनाने का मन करेगा, नहीं तो फिर से वो देख के इरिटेशन होने लगेगी. आपका जितना टेस्ट, अब लास्ट मिनट वो सब नहीं जाना है. लास्ट मिनट में स्कोर को कैसे 140 से 180 बढ़ाया जाए ये सब कुछ नहीं होता है. जितना आपकी तैयारी आपको करनी थी अब हो गया है. और मुझे पता है कि जितना आपका मॉक टेस्ट में आता है ना, उससे कुछ ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में आप लेके आओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बनाया जाता है ना स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. और मार्क्स के बारे में आप अभी एकदम भूल जाओ, ठीक है. जो 130-40 तक भी फंसे हुए हैं ना, उसको परेशान नहीं होना है. आई नो कि आपका स्कोर बढ़ने वाला है. अब आप बहुत ज़्यादा स्कोर पे नहीं जाना है, बस आप एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करोगे. अभी स्कोर भूल जाओ, अभी आपका स्कोर बढ़ने वाला है, ठीक है. तो लास्ट मिनट टिप्स तो मैंने लिखा है, तो टिप्स में मैं यही बताना चाहती हूँ. टिप्स में ये नहीं कि कैसे 140 को 180 बनाया जाए, ठीक है. टिप्स में बस यही सब बताना है कि अब रिलैक्स रहना है, ठीक है. रिलैक्स रहना है. और सबसे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप स्टूडेंट्स को काइंडली एग्जाम में सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना. ओके, फर्स्ट थिंग जो आपको क्या करना है, एग्जाम में टाइम से पहुंच जाना है. ओके, नहीं तो टाइम से नहीं पहुंचोगे ना, लास्ट मोमेंट में पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर, टेंशन होता है, जिस वजह से आप पैनिक में चले जाते हो और एग्जाम गड़बड़ करके जाओगे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट शुड बी टेकिंग इन टू कंसिडरेशन इज बी ऑन टाइम. थोड़ा सा घर से पहले ही निकल जाओ ना, ये कोविड वगैरह को ध्यान में रखते हुए इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ हो रहे हैं, तो बी ऑन टाइम सो डैट एग्जामिनेशन हॉल में कुछ देर पहले, एक दो घंटा पहले ही पहुंच जाओ. क्या दिक्कत है, वहाँ पे जाके कुछ रिवीजन वर्क कर लेना. टाइम से पहुंच जाइएगा, ठीक है. फॉर्म जो जितना भी फॉर्मेलिटीज़ है, फिलअप्स वगैरह सब ठीक से करिएगा, वो सब में कोई गड़बड़ी नहीं करना है. एंड द सेकेंड थिंग वॉट आई फील, अगर आप कोई भी एग्जाम फेस करते हो ना, इट्स नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव, वेदर इट्स अकेडमिक, बेट अकेडमिक एग्जाम भी फेस करते हो, तो व्हाट आई फील कि अगर पहला 15-20 मिनट एग्जाम के, फर्स्ट 15-20 मिनट्स एग्जाम में अगर आपका मोरल हाई है, चलो ये तो मेंस का एग्जाम है, ये नहीं बोलूंगी पहले रीजनिंग बनाना, मैथ्स बनाना, इंग्लिश बनाना, इंग्लिश का पेपर है, 200 क्वेश्चंस है, तो व्हाट आई फील कि पहला 15-20 मिनट्स अगर आपका मोरल एग्जाम में हाई है ना, तो 80% बाजी आपके हाथ में है, ठीक है. तो अपना मोरल हाई रखना. हो सकता है कि शुरू के, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू के 10-15 क्वेश्चंस ना आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है. शुरू से के 10-15 क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग गया, वैसे लगेगा नहीं, आप बहुत अच्छे से तैयार होके जा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है.
10-15 क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट भी लगे ना, तो नो नीड टू पैनिक. उससे क्या होता है ना कि आप सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी सिचुएशन में आपको मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो कोई भी हर्डल को आप क्रॉस कर लोगे. तो कभी कभी क्या होता है ना, डिफ़िकल्ट होने की वजह से, या मैथ्स ही क्यों ना हो, नहीं बन रहा है, डिफ़िकल्ट होने की वजह से पैनिक में जाने लगते हो, यहाँ से आपका मोरल डाउन होने लगता है, वो नहीं करना है. ठीक है, अपने आपको एकदम मेंटली स्ट्रांग होना है. हो सकता है आगे के क्वेश्चंस इजी हो, और जो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, जिस क्वेश्चंस में बहुत टाइम लग रहा है, उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए. हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आपने टाइम दिया, 10 मिनट टाइम देके अगर क्वेश्चन बन भी गया ना, तो आप कोई बहुत बड़े विनर नहीं हो. हो सकता है कि उसी टाइम में आप 4 क्वेश्चन और बना सकते थे. ठीक है, आपने ये क्वेश्चन बना लिया, लेकिन 10 मिनट भी तो लिया. हो सकता है कि आप वो 10 मिनट में 4 क्वेश्चन और बना सकते हैं. तो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बढ़ते जाओ आगे, बाद में फिर आप उसको देख लेना. ठीक है, बाद में उसके किसी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनाया जाता है. कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है ना जो आपको ट्रैप में ले ले. ठीक है, आप उसमें फंस जाओ और अपना टाइम वेस्ट कर दो. बट आप स्मार्ट हो, आपको जज करना है टाइम. नो डाउट टाइम मैनेजमेंट तो करना है. मैं ये नहीं बोलूंगी ना कि मेंस में आपके पास टाइम कम है, ठीक ठाक टाइम है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है. क्योंकि मैं मॉक्स में देख रही हूँ, मॉक्स में देख रही हूँ कि कई बच्चों को देख रही हूँ, एक 160 क्वेश्चन तक ही पहुँच पा रहे हैं, 200 तक पहुँच नहीं जा रहे. तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना है. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, किसी भी क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है. नहीं बन रहा है, आगे बढ़ते जाइए, हो सकता है बाद में उस क्वेश्चन को आप ठीक से कर पाएँ. ठीक है, ये चीज़ हो गया. टाइम मैनेजमेंट एकदम लेके चलना है, ओके, नहीं तो क्वेश्चंस छूट जाएगा. और सेकंड थिंग, आपका कुछ कुछ ऐसा चीज़ है ना जो आपका ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो आपको अपना टाइम बचाना है. ठीक है, 2 आवर्स है आपके पास, 2 आवर्स है, 200 क्वेश्चंस है, आपको टाइम अपना बहुत ज़्यादा बचा के रखना है क्लोज टेस्ट के लिए. क्योंकि इफ़ यू सॉल्व दिस क्लोज टेस्ट, अगर क्लोज टेस्ट को हरी में बनाओगे ना, तो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत सारे रॉन्ग हो जाएंगे, एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा. क्योंकि एक्यूरेसी को ध्यान देना है ना, एक्यूरेसी को तो ध्यान देना ज़रूरी है. तो क्लोज टेस्ट के लिए आपको टाइम बचाना है. ठीक है, क्लोज टेस्ट में आपको टाइम लेगा, आपका टाइम लेने वाला है पैसेज, और आपका टाइम लेने वाला है दिस PQRS. PQRS मीन्स सेंटेंस अरेंजमेंट, और ये सब बहुत ज़्यादा नंबर का आता है. और मेंस में जो डिसाइसिव फैक्टर है ना, सब बच्चे ग्रामर पढ़ के आएंगे, सब बच्चे वोकैब करके आएंगे, बट जो ये डिसाइसिव फैक्टर है, यही तीन है. अगर ये तीनों आपने 80-85% करेक्ट कर लिया ना, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर. तो दीज आर द डिसाइसिव फैक्टर्स. क्लोज टेस्ट में आप लोगों का कंप्लेन होता है कि मैम क्लोज टेस्ट रॉन्ग हो जाता है. एक तो क्लोज टेस्ट में रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज भी है, और क्लोज टेस्ट टाइम लेता है. तो व्हाट आई वांट कि ग्रामर में ज़्यादा टाइम मत देना. ग्रामर ठीक है, ग्रामर जल्दी बन जाता है, 10 बार एक सेंटेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ग्रामर जल्दी बना लेना है. इडियम्स में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जितना भी गेस वर्क करोगे कुछ होगा नहीं. वन वर्ड फटाफट बना लेना है, इम्प्रूवमेंट बना लेना है, स्पेलिंग्स बना लेना है, ये सब फटाफट बना लेना. एक्टिव पैसिव तो आई नो आपके टिप्स पे है, वो तो आप फटाफट बना लोगे. लेकिन बाकी बच्चों से आगे बढ़ने के लिए ना, आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है उससे आगे बढ़ने के लिए, आपको ये बोलोगे मैम यही तो बड़ा दुख दर्द है और यही तो हर्डल है. हर्डल क्या है? ये डिसाइसिव फैक्टर है. 190 प्लस दिलाने में यही आपको हेल्प करेगा, यही आपको हेल्प करने वाला है. तो ग्रामर इडियम्स में ज़्यादा टाइम नहीं देना, फटाफट बनाते जाना. कोशिश करना कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम बचा लूँ क्लोज टेस्ट के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, पैसेज के लिए. बिकॉज जो लास्ट ईयर का जो आपने देखा है, जो पेपर आया था, कि बाकी सब तो ईजी था, ग्रामर एंड वो सब ईजी था, बट ये सब बहुत लेंदी दे दिया था. ठीक है, लेंदी दे दिया था. अब मैं बोलूँगी क्लोज टेस्ट पैसेज बनाने के लिए ना, आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव करनी होगी, वो आपने कर लिया है, अब ये सब बोलने का टाइम नहीं है. प्रैक्टिस में आपने सीख लिया है, क्लोज टेस्ट बहुत सारा मैंने क्लोज टेस्ट करवाया है. समटाइम्स आपको क्या लगता है ना कि जब क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो आपको लगता है कि मतलब एकदम यही आंसर होगा, एकदम उसी पर टिक कर जाते हो. समटाइम्स बहुत ईजी लगने लगे ना, तो गिव इट अ सेकेंड थाट. सेकेंड थाट दीजिए कि ये तो बहुत ईजी लग रहा है, एक बार हो सकता है वही आंसर हो, बट एक बार देख लेना. क्योंकि क्लोज टेस्ट में एकदम पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जाएगा. ठीक है, जैसे अभी मैं क्लोज टेस्ट करवा रही थी, तो वहाँ पे ग्रो भी था, फ्लरिश भी था. ठीक है, ग्रो भी था, फ्लरिश भी था. क्लोज टेस्ट का मैंने बहुत सारा सेशंस आपका करवाया भी है, पेड बैचेस में भी करवाया है, यूट्यूब पे भी करवाया. तो क्लोज टेस्ट बनाते समय एकदम पैसेज जो भी आया है कॉन्टेक्स्ट से स्टिक होके बनाना है.
गलत नहीं करना है. इवन इफ यू फाइंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो गो फॉर एलिमिनेशन. ठीक है, एलिमिनेशन से भी आप आराम से ऑप्शन तक पहुंच सकते हो. ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ नहीं आ रहा है छोड़ते जाओगे. कोशिश करना है, गेस वर्क नहीं करना है, बट एलिमिनेशन करना है, स्मार्ट एलिमिनेशन. एलिमिनेशन करने में पार्ट ऑफ स्पीच बहुत हेल्प करता है. तो क्लोस्टर्स में टाइम बचाना, ठीक है, क्लोस्टर्स में टाइम बचाना, पैसेज में भी, ठीक है, पैसेज में भी आपको टाइम बचा लेना है. मतलब यहाँ से कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम बचाना नहीं है, टाइम देना है. और PQRS तो आपने बहुत किया, मैंने PQRS का आपको सारा ट्रिक्स बताया हुआ. ओके, हड़बड़ाना नहीं है. व्हाट आई फील कि 2-4 सेकेंड ज़्यादा लग जाए, 2-4 सेकेंड ज़्यादा लग जाए, बट आंसर शुड बी करेक्ट. ऐसा नहीं है कि मैंने 200 में पूरा 200 बना लिया, 200 में मैंने 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 तो मैम पूरा 200 का 200 क्वेश्चन बना लिया, बट पता चला कि उसमें से 20 क्वेश्चन रॉन्ग है. तो व्हाट आई फील कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट आंसर शुड बी करेक्ट. ऐसा नहीं है कि आपने टाइम भी ज़्यादा ले लिया और आंसर भी इनकरेक्ट हो गया. ओके, तो ये सब पे ध्यान देना है, ये सब को अपना हथियार बनाना है अच्छे स्कोर के लिए, बाजी मारने के लिए. क्योंकि मुझे पता है ना, और ध्यान देना क्या है, आपने ध्यान दे दिया है आपने ध्यान दे दिया है. ओके, अब तो आपका टाइम आ गया है परफॉर्म करने का. यू हैव ऑल द वेपन्स विथ यू. अब आपको एग्जाम में डिसाइड करना है कौन सा वेपन कहाँ पे कैसे यूज़ करना है. स्मार्टली यूज़ करना है, स्मार्ट होके जाना है. ओके, तो PQRS मैंने आपको पूरा बता दिया है, वो सब आप पूरा बना लोगे, क्लोस्टर्स बना लोगे. क्योंकि हर स्टूडेंट का एक्टिव पैसिव करेक्ट होगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव करेक्ट होने वाला है क्योंकि सब अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं. और एक्टिव पैसिव में ना जैसे 47 आ गया, एक्टिव पैसिव और नरेशन आपने बोला है 47 में 47 लाने का वादा किया है मुझसे, ठीक है. लेकिन एक्टिव पैसिव और नरेशन में ना 2-4 सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं ना जो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है, जो या तो मीनिंग बेस्ड हो जाता है या तो ऑप्शन बेस्ड, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर. और इसका भी मैंने आपको बहुत सारी तैयारी करवाया हुआ है, ठीक है भाई. इसका भी हमने बहुत सारा कुछ हटके वाला क्वेश्चंस किया है. तो अब कोशिश करना है ना कि जो हटके एक्टिव पैसिव या नरेशन आने वाला है उसको गलती मत करिएगा. ओके, उसको भी गलती नहीं करना है. वो जानबूझ के 2-3 डालेंगे जिसमें आप रॉन्ग कर दोगे, बट आपको नहीं करना है, ध्यान से सोचना है, देख लेना है. एक्टिव पैसिव बनाते समय सेंटेंस के टेंस पे ध्यान देना है, नरेशन बनाते समय भी. वो सब तो खैर आपने क्लास में किया, तो इसमें एकदम गलती मत करना. इसमें कोशिश करना ना फुल मार्क्स लाने की, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, कभी कभी होता है कि वोकैब आपको धोखा दे दे, idioms धोखा दे देता है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है एंड यू कैन नॉट गो फॉर गेस वर्क भी नहीं कर सकते हो. ओके, तो लेकिन इसमें नंबर नहीं खोना है, ग्रामर में नहीं खोना है, इम्प्रूवमेंट में नहीं खोना है, ठीक है. idioms में भी आपका आ जाए, अभी तो idioms कॉमन ही पूछ रहे, बहुत डिफिकल्ट idioms नहीं डाल रहे. कोशिश करना idioms वगैरह भी आपका बन जाए, क्योंकि अभी तक जितना तैयारी करना था आपने कर लिया है. और कुछ न्यू पूछ रहे हैं तो वो सबके लिए न्यू है, तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है. वोकैब आई एम श्योर कि वोकैब आपका, अभी देखो हम लोगों ने जो वोकैब किया है, मैक्सिमम जितना भी क्लास में वोकैब किया है CHSL में भी आ गया है, CDS में भी आ गया, एंड आई एम श्योर कि मेंस में भी आ जाएगा, मेंस में भी आ जाएगा, उसके लिए नहीं परेशान होना है. एलिमिनेशन टेक्निक पे भी आप जा सकते हो. वैसे वोकैब बहुत ज़्यादा नंबर का आएगा ही नहीं, 3-3 आएगा, या हो सकता है 3-3 ही आता है, 4-4 कर दे, थोड़ा सा फिर बदल किया, 5-5 कर दिया, से 5-5 भी नहीं पूछ रहे आपको. क्लोज टेस्ट, बार बार मैं इसी चीज़ पे बोल रही हूँ, क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS, इसको अच्छे से करना है, टायर्ड नहीं होना है. 2 घंटे के बाद है, ठीक है, जितना भी आप पूरे साल पढ़ के जा रहे हो, अल्टीमेटली उस 2 घंटे में आपने क्या परफॉर्म किया ना, दैट मैटर्स. ओके, मैंने देखा है कई बच्चे ना क्लास में मुझे बहुत ब्राइट दिखते हैं, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एग्जाम में. एंड देर आर सम जो एकदम टेंस वाले सिचुएशन में भी परफॉर्म कर जाते हैं. तो आपको वही करना है, कोई नहीं देखने आ रहा अपना कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, पूरे साल क्या किया, बस अल्टीमेटली उस 2 घंटे में क्या किया. ओके, उस 2 घंटे में क्या किया, दैट मैटर्स. ओके, और हम दोनों ने, आपके एडुकेटर, आपके टीचर और आपने, दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की है. PQRS तो कभी कभी मैं थक जाती थी, ऐसा लगता था मुझे ही एग्जाम देना है. आपके साथ साथ स्टूडेंट बन के मैं PQRS बनाती थी, ठीक है, सिर्फ कभी भी आंसर नहीं बताया कि ऐसा आ गया तो ऐसे लिंक करना है, क्लोज टेस्ट में ये आंसर क्यों नहीं होगा. जो लोग मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस सेशंस किए हैं आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी आंसर ये नहीं बताया, बताओ बाकी का तीनों रॉन्ग क्यों है. ठीक वही चीज़ आपको एग्जाम में करना है, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क तो आप यहाँ से करके जा रहे हो,
ओके. तो चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एकदम कूल एंड काम रहना है, ठीक है. कूल एंड काम रहना है, अच्छे से ज़्यादा जाके अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है. अपना दिवाली सेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड दिवाली के नेक्स्ट डे ही आपका एग्जाम है. मे गॉडेस लक्ष्मी गिव यू इमेंस हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी एंड योर ड्रीम जॉब. गॉडेस लक्ष्मी गणेश जी आपको आपका ड्रीम जॉब दिलवाए. ओके, आई प्रे फॉर यू. मैं तो हर जिस दिन बच्चों का एग्जाम्स होता है प्रे करती हूँ कि भाई स्टूडेंट्स का मैम हमारे स्टूडेंट्स अगर एलिमिनेशन भी कर रहे हैं उनका आंसर सही करवा दीजिएगा. तुक्का भी लगा दिया, वैसे तुक्का नहीं लगाना है, गेस वर्क नहीं करना है. मे यू गेट योर ड्रीम जॉब सो दैट नेक्स्ट दिवाली एक ऐसा सिचुएशन रहे, इस सिचुएशन को हम लोग याद करें कि मैम ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बेस्ट विशेस दे रही थी और इस दिवाली तो हम अपने जॉब में, ठीक है. पेशेंस रखना है, और ख़ास करके एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो पेशेंस रखना है, परसिवियरेंस रखना है. पेशेंस का मतलब है मेंटली वेरी कूल एंड काम होना है, सैंग फ्रॉड होना है, फ्लेगमेटिक होना है, ठीक है. तो चलो सेशन को एंड करती हूँ. अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई स्टूडेंट्स. एकदम फाड़ू करके आना है, अच्छे से काम करना है. डोंट लेट मी डाउन, क्योंकि मैं अपना सक्सेस, मेरे सक्सेस का जो पैरामीटर होगा वो आपका सक्सेस होगा. आई विल डिसाइड माई सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू. तो आपका सक्सेस इज माई सक्सेस. तो आई एम ऑल्सो वेरी एंशियस, और मैं ऑलवेज प्रे करूँगी कि बेस्ट से बेस्ट अपना दे के आओ, ठीक है. तो चलो बेस्ट ऑफ लक अगेन. थैंक यू एवरीवन.